हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है वीवो का Z1 मॉडल, जिसमें FRP की प्रॉब्लम है। उसका FRP बाईपास कैसे करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सेटअप है, उनको फॉलो करना है और आपका FRP बाईपास हो जाएगा। पहले आप सबसे पहले अपना वाईफाई कनेक्ट कीजिए। मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जाएंगे किसी भी अदर वाईफाई के, यहाँ पर इसको ऑन करें। पोर्ट हॉटस्पॉट में आप यहाँ पे लिख दीजिए www.google.com। यहाँ पे सीधा साइट सर्च कर सकते हैं, इसको वेब सर्च करेंगे, ये हो गया। हम अब हमारे को यहाँ पे साइट लिखनी है www.vnrom.net बाईपास, ये वाली साइट हमको ओपन करनी है। ये जो ऊपर एक वार्निंग आ रही है, इसका कोई चक्कर नहीं है। आप इसमें एंड्रॉयड 8.9 जैन APK इसको डाउनलोड कीजिए। ये डाउनलोड हो रही है, अलाउ कर दीजिए इसको। उसके बाद करेंगे हम FRP बाईपास, ये वाली एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड की रही। अब हम जाएंगे डाउनलोड मैनेजर में। अभी हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, हुई नहीं है अभी कोई भी फाइल। लेकिन इसको पहले FRP बाईपास को इंस्टॉल मत करिए, पहले इसको एंड्रॉयड 8.9 को इंस्टॉल करना है। ये कीजिए इसको ऑन और इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो गई है, इसको डन कर दीजिए। अब दूसरी वाली को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए ब्राउजर साइन इन ओके, और यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिए जिसका आपको आईडी और पासवर्ड पता हो। मेरी आईडी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, जिसका मुझे आईडी और पासवर्ड दोनों पता है, तो मैं अपनी आईडी डाल रहा हूँ। पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने डाल दीजिए है। साइन इन कर दीजिए आप, यहाँ पर कुछ ही सेकंड में वापस आ जाएगा ये। इसको हम सेट को बस सिंपल रिस्टार्ट कर दीजिए, बहुत ईजी मेथड है। इससे आप किसी भी वीवो के हैंडसेट का FRP बाईपास कर सकते हैं। कोई भी मॉडल हो आपका, चाहे वीवो का न्यू मॉडल हो, S1 हो, Z1 प्रो हो, Z1 S1 प्रो हो, V9 हो, कोई भी मॉडल हो, आप बहुत ही आसानी से इसको बाईपास कर सकते हैं। मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ, तो आगे देख कैसे होते हैं इसको। आप सेटअप योर फोन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डोंट कॉपी, अकाउंट ऐड सक्सेसफुली आ गया, नेक्स्ट कर दीजिए। हमारा अकाउंट ऐड सक्सेसफुली हो गया, तो इसका मतलब हमारा बाईपास हो गया है मोबाइल। यहाँ पे मोर एक्सेप्ट, कुछ सिंपल सेटअप को फॉलो कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करना, सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना। इसको बैक करके इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे नो थैंक्स। नेक्स्ट स्किप, नेक्स्ट स्किप स्किप एंड यूज नाउ। इतना ही प्रोसेस था इसका FRP बाईपास करने का। कोई भी मॉडल हो, सेम मेथड होता है, यही हर मोबाइल में यही करना होता है। कोई भी अलग से कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना होता है। ये रहा हमारा वीवो 1951 यानी कि Z1 प्रो, ये मॉडल होता है। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना, अपना अकाउंट यहाँ से रिमूव कर दीजिए। इसमें से अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से रिमूव अकाउंट, बस हमारा काम हो गया। अगर आपको ज़्यादा मुकद्दर अपनी एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की थी उसको बस यहाँ से रिमूव कर दीजिए आप, बस। और हमें अब कुछ भी नहीं करना, हमारा सेट बाईपास हो चुका है, हमको यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।